आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक केस की ब्रीफ करने के लिए आपको बुलाया गया है। एक यहाँ पे अक्यूज्ड हैं सत्य की मैती करके, जो कि टूर ऑपरेटर हैं और हैप्पी ट्रैवल्स नाम से एक अपनी टूर कंपनी चलाते हैं। इनके अगेंस्ट अबरडीन पुलिस स्टेशन में 2023 के फरवरी में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी 420 की, जिसमें इन्होंने एक टूरिस्ट से ऑनलाइन 3 लाख से ज़्यादा की रकम ली थी उनके टूर प्लानिंग और बुकिंग के लिए, बट उन्होंने कुछ भी टूर पर प्लानिंग बुकिंग नहीं करी, तो कंप्लेन पे एफआईआर दर्ज हुई थी लास्ट ईयर। इस साल फरवरी के महीने में हमारे पास उनकी कई कंप्लेंट्स आई हैं, जिनमें 3 कंप्लेंट्स पे एफआईआर दर्ज हुई है। इन्होंने अलग अलग लोगों से अलग अलग संपर्क ऑनलाइन करके किसी से 60,000, किसी से 80,000, किसी से 20,000 रुपए की रकम की चीटिंग करी, जिसमें इन्होंने टूर प्लान करने के लिए, बुकिंग करने के लिए पैसे लिए, पर इन्होंने बुकिंग नहीं करी। और जब लोगों ने इनसे पैसे वापस मांगे, तो इन्होंने पैसे वापस देने से भी मना कर दिया। तो जब ये कंप्लेंट हमारे पास आई, तो अबरडीन पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ इस महीने में फरवरी में 3 FIR दर्ज हुई हैं। सत्य की मैती को अरेस्ट भी कर लिया गया है, ये समय जुडिशियल कस्टडी में जेल में है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगे भी जो टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स जनता के साथ चीटिंग करेंगे और उन्हें परेशान करेंगे, आगे भी अंडमान निकोबार पुलिस इसी प्रकार सख्त एक्शन लेती रहेगी। जनता से भी गुजारिश है कि अगर कोई भी उनके साथ इस तरीके की चीटिंग या फ्रॉड करता है, तो हमारी नॉलेज में तुरंत लाए। धन्यवाद।